क्या आप जानते हैं मौत के ठीक बाद शरीर के अंदर क्या क्या होता है? मरने के बाद शरीर के अंग आखिर कैसे रिएक्ट करते होंगे? मौत के बाद भी क्या शरीर में जान रहती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें। दुनिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों में से एक है मौत। दुनिया को आंखों से देखकर दिमाग में काफी कुछ सोचने वाला इंसान जब एक झटके में मर जाता है तो आखिर उसका शरीर इस सच को स्वीकार कैसे करता है? आत्मा और प्राण के निकलने के बाद बेजान शरीर के अंदर क्या क्या होता है? ये वो सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिकों ने अनगिनत रिसर्च कर डाले। आज इन सवालों से जुड़े हुए 15 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताए होंगे। नंबर 1, मौत का दिल पर क्या असर होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर इंसान की मौत तब घोषित कर देता है जब उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल में क्या बदलाव होते हैं? जब दिल काम करना बंद कर देता है तो खून की पंपिंग भी बंद हो जाती है। ऐसे में इंसान के दिल के अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। नसों और धमनियों में खून ही खून भर जाता है क्योंकि इसका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। नंबर 2, शरीर का रंग बदलना। ब्लड सर्कुलेशन बंद होते ही शरीर में बदलाव का दौर शुरू हो जाता है। शरीर 2 रंगों में दिखने लगता है। शरीर का निचला हिस्सा स्थिर हो जाता है और ये पीले या सफेद रंग का होने लगता है, जबकि शरीर के ऊपरी हिस्सों में जहाँ खून जमता है वहाँ लाल या नीले रंग का दिखने लगता है। नंबर 3, शरीर का बर्फ की तरह ठंडा हो जाना। वैज्ञानिक भाषा में इसे एल्गोरमोटिस कहते हैं, यानी वो परिस्थिति जब आपके शरीर का तापमान तेजी से गिरने लगता है लेकिन मौत के बाद ये 0.8 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडा होने लगता है। इसे ही आम भाषा में शरीर ठंडा होना कहते हैं। नंबर 4, शरीर का अकड़ जाना। मौत के कुछ घंटे बाद ही शरीर का हर एक अंग अकड़ने लगता है। वैज्ञानिक के मुताबिक ऐसा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का स्तर तेजी से गिरने की वजह से होता है। इसकी शुरुआती पलकों के अटने और गले की मांसपेशियों के अकड़ने से होती है। नंबर 5, मांसपेशियां कुछ घंटे बाद भी रहती हैं जिंदा। ये सुनने में काफी अजीब है लेकिन इंसान की मौत के बाद भी उसकी मांसपेशियां जिंदा रहती हैं। इनमें थोड़ी हलचल या इनका फड़कना देखा जा सकता है। यही वजह है कि कई बार मौत के कुछ घंटे बाद भी लगता है कि इंसान का शरीर हिलडुल रहा है। नंबर 6, चेहरे की झुर्रियां हो जाती हैं गायब। जिंदा रहते हुए इंसान चेहरे की जिन झुर्रियों को खत्म करना चाहता है, इंसान के मरने के बाद वो झुर्रियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मांसपेशियां डेड हो जाती है और झुर्रियां या झाइयां बनने लायक नहीं बचती हैं। नंबर 7, पेट भी साफ हो जाता है। शरीर का ज्यादातर हिस्सा मौत के बाद टाइट होकर अकड़ जाता है लेकिन कुछ हिस्से अपने आप ढीले हो जाते हैं। इनमें से एक मलाशय पर नियंत्रण करने वाला सिस्टम। जब इंसान की मौत होती है तो यह नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसे में शरीर के अपशिष्ट पदार्थ भी खुद ही शरीर को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। नंबर 8, शरीर से आती है दुर्गंध। डेड बॉडी से आने वाली दुर्गंध बहुत ही बेचैन करने वाली होती है। शरीर से प्राण के निकलने के बाद इसका पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में डेड बॉडी की सेल से अजीब सी दुर्गंध निकलने लगती है। इनमें से एक एंजाइम निकलता है जिसमें बैक्टीरिया और फंगस भी पैदा होने लगते हैं। इसी के चलते शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। नंबर 9, प्राण निकलते ही जानवर करते हैं हमला। शरीर के अंदर बैक्टीरिया और फंगस पैदा होते हैं तो शरीर को बाहर से कई जीव जंतु खाने के लिए आ जाते हैं। वे शरीर के अंदर और बाहर लगकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। चींटियां, मकड़ियां और तमाम ऐसे जीव इंसान के शरीर को किसी दावत से कम नहीं समझते। नंबर 10, शरीर में पैदा होती आवाजें। जब मौत के बाद शरीर अकड़ने लगता है तो इससे तरह तरह की आवाजें भी आती हैं। ये आवाजें कई बार डकार और फार्ट के तौर पर भी सामने आती हैं। अस्पताल में मौत होने पर डॉक्टर और नर्स भी इन्हें सुनकर दंग रह जाते हैं। नंबर 11, शरीर को अंदर से खाते हैं बैक्टीरिया। हमें पता है कि शरीर के अंदर भी हमारे इम्यून सिस्टम में तरह तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये शरीर से प्राण निकलते ही जंगली हो जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देते हैं। नंबर 12, आंखें बाहर आ जाना और जीभ में सूजन। शरीर से प्राण निकलने के बाद डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में आंखों की बॉल्स बाहर निकल कर लटकने लगती हैं और जीभ में सूजन भी आ जाती है और ये मुंह में ही फूल जाती हैं। नंबर 13, सेल्स और टिश्यू मरने लगते हैं। शरीर से प्राण निकलने के बाद इसका डिकम्पोजिशन जब शुरू होता है तो सेल्स ब्रेकडाउन होने लगती है और टिश्यू भी मरने लगते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को प्यूट्रीफैक्शन कहते हैं। नंबर 14, त्वचा हो जाती है ढीली। सेल्स और टिश्यू को डेड होने के बाद त्वचा भी हड्डियों को छोड़ने लगती है और मांसपेशियां फिसलने लगती हैं। नंबर 15, आखिर में हड्डियां छोड़ती हैं साथ। शरीर के डिकम्पोजिशन में आखिरी चीज होती है हमारे शरीर की हड्डियां। इंसान के मरने के बाद 10-20 साल बाद शरीर की हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।